लोगों की तरफ से आज जबरदस्त प्रोटेस्ट यहां पे किया गया है। ये रेलवे डिपार्टमेंट है कि लोकल प्रशासन के खिलाफ है, यूटी प्रशासन के खिलाफ है। यहाँ पे यहाँ के जो बॉर्डर इनका एरिया पड़ता है, जगदीश जी काउंसलर हैं, यहाँ पे पंच साहिबान हैं, नायब सरपंच हैं और तकरीबन सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं। लेकिन धरना जो है नॉन पॉलिटिकल है, किसी पार्टी के बैनर तले नहीं है, लेकिन सभी पार्टियों के लोग हैं। ये इसलिए धरना है कि पहले तो रेलवे डिपार्टमेंट ने 1984 में इनकी ज़मीनें अक्वायर की, ये कहा गया कि जिसकी 75% ज़मीन आएगी उसको सरकारी नौकरी मिलेगी। अभी भी कितने लोग पेंडिंग हैं जिनकी फाइल जो है दिल्ली में पड़ी है। उसके बाद इनको मुआवजा देने में कई वर्ष लग गए। इनका जो पानी है आप अगर देखेंगे बोली बंद है और बोली का पानी इनको उसके लिए हर बार स्ट्रगल करना पड़ती है। हर बार रेलवे पहुंच जाता है कि हम चार दीवारी करके इसको बंद करेंगे। इस महल्ले में पानी कितनी दिक्कत है, जमीनें हमने दी, पानी हमारा गया, लेकिन उसके बावजूद भी आज सबसे बड़ी दिक्कत यहां पर है कि रेलवे के अपोजिट दोनों साइड ऊपर और नीचे की तरफ जो सड़क है इसमें 15-20 वर्षों से ब्लैकटॉप ही नहीं इसको किया गया है। और जबकि यहाँ पे हर दिन 200-300 जो है लोड कैरियर बड़े ट्रक्स जो हैं ये यहाँ पे भरे जाते हैं या उतारे जाते हैं, लोड अनलोड किए जाते हैं, लेकिन हालत इतनी बुरी है। ट्रक वाला आता है वो चला जाता है, लेकिन लोगों के अंदर डस्ट की इतनी बुरी हालत है, डस्ट इनके घरों में है, कपड़े नहीं रेड सकते हैं। मुझे लगता है 50% लोगों का टेस्ट कराएंगे तो अस्थमा की प्रॉब्लम होने जा रही है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे पिछले दिनों जिला अधिकारी भी यहाँ पे आए थे और उन्होंने भी यहाँ पे कमिटमेंट करी थी कि हम इसको फौरी तौर पे लुक डालेंगे, लेकिन उसके बावजूद नहीं डाली। यहाँ पे जो जानकारी लोगों को है, जानकारी के मुताबिक रेलवे डिपार्टमेंट हर साल इसके लिए फंड्स मुहैया करवाता है कि ब्लैकटॉप कीजिए, लेकिन बाद में वो फंड्स कहाँ जाते हैं, कहाँ शिफ्ट होते हैं, आज तक लोगों को पता नहीं चला। और मैं अपनी खुद आंखों से मैंने देखा है 15-20 वर्षों से इसमें लुक नहीं पड़ी है, तो इसमें डस्ट की वजह से लोग परेशान हैं। हम फौरी तौर पर कहना चाहते हैं कि इसको लुक डालें, अगर नहीं होगी तो लोगों ने फैसला किया कि हफ्ते के अंदर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो बड़ा फैसला करने जा रहे हैं ये लोग और ये इनकी टीम बैठ के फैसला करेगी। लेकिन मुझे इनका आक्रोश बताता है कहीं रेलवे ट्रैक पे ना बैठ जाए धरने के लिए। इसी तरह से ये जो है रेलवे की वजह से जैसे दीवारें लगाई गई, लोगों के रास्ते बंद किए गए और उसके बाद हमारा जो ऊपर सारी जमीन बर्बाद हो गई और नाली इतनी छोटी सी है, जब फ्लड आता है लोगों की जमीनें खराब होती हैं, नाली ब्लॉक होती है और लोगों को घर में आना जाना मुश्किल होता है। तो उस नाली को भी फौरी तौर पे जो है रेलवे डिपार्टमेंट या जिसके अधीन आती है फौरी तौर पे उस नाली का भी काम करवाए ताकि जो दूसरी समस्या इनको आ रही है उसको उसका भी समाधान हो। तो मैं यही कहना चाहूँगा और मैं सभी साथियों को कहना चाहूँगा कि बिल्कुल हम और हमारी टीम जो है हमारी एनजीओ की टीम पूरे तरीके से आपके समर्थन में, साथ में और सपोर्ट में खड़ी है, पूरे तरीके से सपोर्ट करेंगे। लेकिन जिस तरीके की परेशानी हमारे लोगों को आ रही है इसको ज़्यादा देर इन लोगों को उस परेशानी में नहीं रहने देंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। देखिए जैसे कि आप लोगों को पता है कि कई बार हमने पहले भी यहाँ पर प्रदर्शन किए हुए हैं और आप लोगों ने वो कब्र किए हुए हैं। जैसे कि पिछले दिनों यहाँ पर डीसी मैडम जी आए थे तो उस वक्त भी हमने कहा था कि ये जो रेलवे स्टेशन को जाने वाला रोड है यहाँ पर आज सिर्फ ना कि सिर्फ पंचायत के लोग, हमारे टाउन वार्ड नंबर 20 के लोग और पूरा उधमपुर टाउन के लोग आज यहाँ पर आए हैं और ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर प्रदर्शन करने का मकसद एक ही है कि आपने देखा होगा कि कितनी डस्ट, जितने भी लोग हमारे इस रास्ते से गुजरते हैं सबको यहाँ पर डस्ट खाने की जगह डस्ट मिल रही है। तो इसलिए मैं यहाँ से गवर्नमेंट को चिताना चाहता हूँ, रेलवे के डिपार्टमेंट को चिताना चाहता हूँ कि अगर आने वाले दिनों में उन्होंने जल्दी से जल्दी इस रोड पर ब्लैक टॉप करने की कोशिश नहीं की, अगर ब्लैक टॉप नहीं किया तो जैसे आज हमने यहाँ पर यह ट्रक रोके हुए हैं इसी तरीके से हम यहाँ पर एक हफ्ते के बाद धरने पर बैठेंगे और
यहाँ पर रेल रोको आंदोलन भी हम शुरू करेंगे, क्योंकि पिछले दिन हमने डीसी मैडम से ये बात कही तो वो यहाँ पर मौके पर आए और रेलवे स्टेशन के लोगों ने यहाँ पर क्या किया, रेलवे के लोगों ने कि दो चार टिप्पर लाकर यहाँ पर डाल दिए और डस्ट डाल दी, उल्टा और बीमारी का घर बना लिया। इसलिए हम इनको यहाँ से वार्न करना चाहते हैं, क्योंकि हमने तो देखा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के भी नहीं मानते हैं और हमारे साथियों ने यहाँ से कई बार गवर्नर महोदय को लेटर लिखे हैं कि आने वाले दिनों में इस रोड की ब्लैक टॉपिंग होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने भी कोई संज्ञान लिया नहीं है। इसलिए आज फाइनली हम एक महीने का, एक हफ्ते का सॉरी, हम इन्हें टाइम देंगे, एक हफ्ते के अंदर अंदर इन्होंने कोई यहाँ पर संज्ञान नहीं लिया तो आने वाले दिनों में हम यहाँ उग्र प्रदर्शन करेंगे और रेल रोको आंदोलन जो है यहाँ पर शुरू हो जाएगा।